सेना की हौसला अफजाई के लिए अचानक ले पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे भी रहे साथ। पीएम मोदी ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लेके फॉरवर्ड लोकेशन नीमू का किया दौरा, जवानों से की मुलाकात। जवानों के बीच बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन पर निशाना, कहा विस्तारवाद का युग खत्म, ये विकासवाद का दौर है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से जवानों का जोश हुआ दोगुना, भारत माता की जयकार से गूंजे लद्दाख के पहाड़। 15 जून की झड़प में घायल हुए जवानों से अस्पताल में मिले प्रधानमंत्री, शहीदों को किया नमन। पीएम के लद्दाख दौरे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा सैनिकों के बीच क्यों नहीं लिए चीन का नाम। एलएसी के हालात पर राहुल गांधी ने आज भी पीएम पर आगे सवाल, लद्दाख के लोगों का हवाला देकर कहा चीन ने हड़पी हमारी जमीन। गलवान में शहीद हुए सुनील कुमार के परिवार ने पीएम के लेह दौरे पर जताई खुशी, शहादत का बदला जल्द लेने की अपील की। शहीद संतोष बाबू के परिवार ने भी प्रधानमंत्री के लेह दौरे को सराहा, सरकार से चीन को सख्त जवाब देने की मांग। श्रीनगर में सीआरपीएफ के शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि, मुठभेड़ के दौरान लगी थी आतंकियों की गोली। कानपुर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान, घायल पुलिसकर्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। कानपुर में कल रात हुई दहला देने वाली वारदात पर सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने की थी गोलीबारी, मुठभेड़ में 1 DSP, 2 SI समेत कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए अपराधियों ने लगाई थी जेसीबी मशीन, मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी जेल, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे फरार। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ। कानपुर की वारदात को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रियंका गांधी और मायावती ने भी कानपुर की वारदात पर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अलीगढ़ में शातिर अपराधी, मुठभेड़ में ढेर, लूट और बलात्कार की कई वारदातों में था शामिल। लखीमपुर खीरी में ग्राम प्रधान से 10 लाख की फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार, लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो अपराध के जरिए कमाई की साजिश। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला काटकर हत्या, सनसनीखेज वारदात पर गांव में मचा हंगामा। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके, करीब 5 सेकंड तक महसूस हुआ कंपन। रिक्टर स्केल पर 4.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता, भूकंप का केंद्र। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, NDRF और SDRF के अफसरों के साथ चर्चा। 6 जून फिर शुरू होगा ताज का दीदार, लॉकडाउन से ही बंद था ताजमहल। दिल्ली में नकली नमक की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मशीनें और 3,000 किलो नकली नमक जब्त। लखनऊ में चोरी के आरोपी ने थाने में लगाई फांसी, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। वाराणसी में एक साथ 2 स्कूलों में नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों का भंडाफोड़, FIR के आदेश। मथुरा में हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, 2 की मौके पर मौत। हमीरपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या। गाजियाबाद में पिता पुत्री की हत्या से सनसनी, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च, ICMR और भारत बायोटेक कंपनी ने किया दावा। दवा कंपनी कैडिला भी कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल, DCGI ने दी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले LNJP अस्पताल के डॉक्टर के घर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। दिल्ली में नशे में धुत बेटे ने मां को मारी गोली, बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। दिल्ली के अमन विहार में रिटायर ASI के बेटे की हत्या, पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का शक। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस बीजेपी में जारी है जुबानी जंग, दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सिंधिया का वार, कहा इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब। टाइगर पॉलिटिक्स में शिवराज के मंत्री अरविंद भदौरिया भी कूदे, कहा दिग्विजय करते होंगे चूहे बिल्ली का शिकार। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कसा था तंज, कहा शिकार पर प्रतिबंध के बाद शेर को मैं सिर्फ कैमरे में उतारता हूं, सिंधिया ने खुद को बताया था टाइगर। शिवराज सिंह भी कमलनाथ पर बरसे, कहा MP में कोरोना से बड़ी समस्या है कमलनाथ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। कैबिनेट विस्तार के बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रैली, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। इंदौर में दवा व्यापारी से लूट की कोशिश में चाकू से हमला, CCTV में दर्ज हुई वारदात। कल घोषित होगा MP बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, कोरोना के चलते नहीं हुए थे 2 पेपर। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता, जयपुरी सीएम अजीत पवार ने की समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र के सांगली में बाहर से आए एक शख्स ने खुद को पेड़ पर किया क्वारंटीन, घर छोटा होने के चलते निकाला नया आइडिया। तेजस्वी के माफीनामे को बीजेपी JDU ने किया खारिज, कहा बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते लालू राज का काला दौर। RJD के 15 साल के शासन में हुई गलतियों के लिए तेजस्वी ने गुरुवार को मांगी थी माफी, जनता से की थी फिर से मौका देने की अपील। पटना के बाढ़ में ससुराल जाने से पहले नई नवेली दुल्हन ने कराया कोरोना का टेस्ट, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। सहरसा में सरकारी कर्मचारी काला पैच लगाकर पहुंचे दफ्तर, प्रमोशन नहीं मिलने पर जता रहे थे विरोध। झारखंड के रामगढ़ में 3 तलाक का मामला, दुबई गए पति ने फोन पर तलाक दिया।
लुधियाना में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेड यूनियन संगठनों ने निकाली रैली। अमृतसर में टैक्सी चालकों ने निकाला विरोध मार्च, तेल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग। गुरदासपुर में दो किन्नरों के खिलाफ एफआईआर, साजिश के तहत युवक को किन्नर बनाने का आरोप। सोनीपत में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस को नई कामयाबी, आरोपियों की साथी दो महिलाएं गिरफ्तार। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी से परेशान मरीज, कोरोना की आड़ में आम बीमारियों का भी नहीं हो रहा है इलाज। देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में सामने आए 20,903 नए मरीज। 24 घंटे में देश भर में 379 मरीजों की मौत, कुल संक्रमण के मामले 6,25,000 के पार। अब तक करीब 3,80,000 लोगों ने कोरोना को मात दी, कुल मौत 18,213। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में 6,330 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना मामले में 92,000 के पार, 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत। कोरोना से लड़ाई के मामले में राजस्थान बना नंबर वन, 80% से ज्यादा पहुंची कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर। बाड़मेर में आज शाम से 7 दिनों के लिए लगा टोटल लॉकडाउन, 24 घंटे में 33 मरीज सामने आने के बाद प्रशासन का फैसला। जोधपुर में कोरोना के खिलाफ पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान, लोगों को दी बचाव के तरीकों की जानकारी। झालावाड़ में प्रेम विवाह के मामले में दो पक्षों में भिड़ंत, कोर्ट परिसर में ही चले लाठी डंडे। जोधपुर में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या या खुदकुशी की गुत्थी में उलझी पुलिस। मशहूर डांस डायरेक्टर सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन, बॉलीवुड ने जताया शोक। मुंबई में सुबह से भारी बारिश, शहर में जगह जगह जल भराव। अंधेरी इलाके की सड़कें बनी समंदर, जोरदार बारिश से सबवे में पानी भरा। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भी जल भराव, सड़कों पर खुले मैनहोल बने खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, मुंबई में 2 दिनों तक जोरदार बारिश की चेतावनी। कोलकाता में स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस में रियायत देने की मांग। असम के उदलगुड़ी में अनजान बीमारी से महिला की मौत, कोरोना के डर से शव को कंधा देने को तैयार नहीं हुए ग्रामीण। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में तूफान पीड़ितों ने किया हंगामा, अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। आसनसोल में कोल इंडिया कंपनी में दूसरे दिन भी हड़ताल, निजीकरण को लेकर खफा है मजदूर। कर्नाटक में जारी है 10वीं बोर्ड की परीक्षा, मंत्री सुरेश कुमार ने लिया परीक्षा केंद्र की तैयारियों का जायजा। असम में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं, अब तक 34 की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बाढ़ के कहर से बाल बाल बची बस, निकलने से ठीक पहले पानी के थपेड़ों से बह गई सड़क। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश, घने बादलों के चलते दिन में छाया अंधेरा। पिथौरागढ़ में बारिश के चलते नदी नालों में उफान, धार में समाये सैकड़ों एकड़ खेत। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, किनारों से पलायन शुरू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।